मैं हूं मुकेश गुप्ता। आज हम दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण एवं विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए आवश्यक उपकरण है ड्राइंग बोर्ड, प्रिज्म, ड्राइंग पिने, आलपिन, डी जिसको हम चांदा भी कहेंगे कहते हैं, स्केल, पेंसिल और वाइट पेपर। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम सबसे पहले वाइट पेपर को ड्राइंग पिनों की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करते हैं। इसके बाद वाइट पेपर के मध्य में स्केल के द्वारा एक लाइन खींचते हैं। लाइन पर हम तीन पॉइंट O1, O2 तथा O3 लगाते हैं। इसके बाद तीनों पॉइंट्स पर स्केल के द्वारा अभिलंब खींचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अब प्रिज्म को लेकर O1 बिंदु पर रखते हैं। इससे पहले हम तीनों पॉइंट O1, O2 और O3 पर, सबसे पहले O1 की बात करते हैं। यहाँ पे हम चांदे की सहायता से, डी की सहायता से 35 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसमें सावधानी रखना है कि अपन जो 35 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अभिलंब के साथ बना रहे हैं, 10, 20, 30 और 35 का एंगल इस अभिलंब के साथ इस प्रकार से बनेगा। इस 35 एंगल को बनाने के बाद प्रिज्म को O1 पॉइंट पर इस प्रकार से रखते हैं और इसको रेखांकित कर लेते हैं। इसके बाद दो आलपिन लेते हैं। पहली आलपिन को, जो अपन ने 35 डिग्री का एंगल बनाया है, पहली आलपिन को हम नाम देंगे P, दूसरे पॉइंट को नाम देंगे Q। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। जैसा कि आपने देखा है, हमने प्रिज्म इस प्रकार से रखा है, P और Q दो आलपिन लगाई है। अब तीसरी आलपिन हमें दूसरी तरफ R पर लगानी है। इसके लिए हम इन दोनों पिनों को इस प्रकार से देखते हैं कि तीसरी पिन उसकी सीध में नजर आए। देखिए आप, इसमें जो P और Q आलपिन है उसकी सीध में तीसरी आलपिन R नजर आ रही है। इसको हम सीध में देखते हैं तो देखिए बिल्कुल एक सीध में तीनों आलपिन होगी। इसी प्रकार से चौथी आलपिन भी उससे कुछ दूरी पर S पॉइंट पे लगाते हैं। देखिए आप, ये चौथी आलपिन इस प्रकार से लगी हुई है। अब हम चारों आलपिन देखते हैं तो एक सीध में नजर आती है। ये हमारा एक प्रेक्षण होगा। इसके बाद हम 5-5 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए 6 प्रेक्षण लेंगे और विचलन कोण का मान ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।